जेना मरता हाथी कभी ये पंडलों के से देखना खून मोटे मोटे जैसे मत वाला हाथी से इतने मोटे मोटे हाथ इतने शरीर बड़े बड़े शरीर हैं, लेकिन वो क्या करते हैं जगन्नाथ जी को अब देखे होंगे कल जैसे किसी खाने का चीज जैसे चिट्ठी चिट्ठी मिल कर ले जाते हैं ना, अब देखना एक जगन्नाथ जी के लिए बलदेव के लिए कितने लोग चाल करके चिट्ठी जैसी घेरे हुए थे और इतने मोटे मोटे लोग जगन्नाथ जी लेने के लिए। क्यों कभी वो जगत का नाथ है बलदेव प्रभु को नहीं कभी ये शंकर सनसाई कानक दसाई गर्भो दसाई चपय दिशाई शेषांश जस्यांश सकला नित्यानंद रामन शरण प्रभु। ये कौन है साक्षात बलदेव प्रभु कभी ये शंकर सनी कानक दसाई गर्भो दसाई खिलाफ दिशाई शेष जिनके अंश के अंश है ये श्री ताऊ भैया बलदेव जो संपूर्ण पृथ्वी को है जो संपूर्ण पृथ्वी को अपना फन को करने एक सरसों जैसे धारण करके रखते हैं उनको पता ही नहीं काम का जैसे हमारे सर में सरसों रहे तो पता चलता है नहीं। उसी तरह मैंने अनंत कर्म ब्रह्मांड को अपने सर को पर जो धारण करके रखते हैं ये श्री बलदेव प्रभु है। अगर कल देखे होंगे तो देखना कैसे चांद का रखने कैसे धीरे धीरे हुए एक जगन्नाथ के बलदेव प्रभु को लेकर के आप देखना कभी कभी जाकर के तो जगन्नाथ एक जगह पर रुकी जाते हैं क्योंकि वो किसको बोलने पर नहीं चलते वो अपना इच्छा से चलते हैं। जब इच्छा होगा ना धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं है जब उनको इच्छा नहीं होगा एक जगह पर रुक जाएंगे उनको हिलाने का भी किसी तक नहीं। अब देखे होंगे जब जगन्नाथ रथ को तो चढ़ाते होंगे देखना वो एक जगह पर खड़े होते हैं और एक जगह पर रह करके ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे कर करेंगे ऐसे ऐसे किसी तरह हिले भी नहीं वहां से क्योंकि वो किसी की इच्छा से जाते नहीं वो तो अपनी इच्छा से ही वो चलते हैं अपना इच्छा से जगन्नाथ जी बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की जोर से बोलो बोले श्री दाऊ भैया की बोले श्री सुभद्रा देवी की बोले श्री सुदर्शन चक्र की। वो अपना इच्छा से चलते किसकी इच्छा से ये चलने वाले ये नहीं है, है? इसलिए कहते हैं दैता लोग क्या कर रहे हैं ये सब के सब मैंने पूरा हाथ पकड़ करके अब ले कोशिश करते हैं जगन्नाथ जी को ले जाने के लिए बोले कतक दैता करे स्कंधे आलम्बन कतक दैता धरे श्री पद्म चरण कटि कटे बंध दृष्ट स्थूल पत्थर डोरी दुर्भिगे दैता गण उठाए तहा धरी। कैसे ले जाते हैं कुछ दैता लोग तो आप देखे होंगे कांधे पर लगा देते ऐसे कंधे को इतने इतने बड़े ठाकुर जी सात तक ठाकुर ठाकुर का जो कपड़ा पहनाते हैं ना और ऐसे ने स्टूल के ऊपर खड़े होकर स्टूल बड़े स्टूल के ऊपर नहीं इतने बड़े ठाकुर जी है इसलिए वो मंदिर का नाम है बड़ा देवड़ा मतलब पृथ्वी में सबसे बड़े मंदिर देवड़ा मतलब मंदिर बड़े ठाकुर पृथ्वी में सबसे बड़े ठाकुर जी जगन्नाथ बड़े तांडव सबसे बड़ा रोड है इसलिए बड़ा भोग पृथ्वी में जहाँ जहाँ प्रसाद भोग लगता है पृथ्वी में सबसे ज्यादा प्रसाद भोग यहीं पर लगता है इसलिए बड़ा पताका देखना उनका जो झंडा है सबसे देखो रथ को 20-25 एकान हाथ तक ये वहाँ से लेकर वहाँ तक और उनका जो चक्र है नीला चक्र वहाँ पर हर चीज बड़ा है हैं हर चीज क्योंकि जगत का जगत में सबसे बड़े तो वही ठाकुर जी है इसलिए कहते हैं कभी कंधा लगा करके और कुछ दैता लोग क्या कहते हैं ठाकुर का चरण को पकड़े ठाकुर जी कृपा करके चलते रहो ठाकुर जी चलते रहो चरण पकड़ लेते हैं लेकिन और कुछ लोग क्या कहते हैं अब कल देखे होंगे दूर से दिखाई नहीं पड़ता होगा उनको कमर में ना रस्सी लगा हमारे साथ इतने बड़े रस्सी लगा करके और दोनों हाथों में देखना रस्सी बंधा हुआ इस इधर हाथ में और इधर हाथ में दोनों हाथों में इनकी रस्सी लगा हुआ है हैं? रस्सी लगा हुआ है इसलिए कहते कहा क्या कैसे ले जाते हैं बोले उच्चे दृढ़ तुली सब पाती स्थान स्थाने एक तुली हरी के थोड़ा आए आर तुली आने मतलब है पूरी में जब आप गए होंगे उनका 22 सीढ़ियां आए ऐसे सीढ़ी लगाना कहते 22 सीढ़ियों को जब पार करोगे फिर जगन्नाथ जी का दर्शन है लेकिन अभी उनको कैसे
उतारते हैं वो क्या करते हैं, पहले जो डिग्री था जो रुई की मोटी मोटी इतने मोटी मोटी गद्दा रुई लगाया है, हर स्टेप में एक एक गद्दा लगेगा और उनको क्या करेंगे ऐसे दोनों तरफ रस्सी पकड़ करके ऐसे उठा करके, उनको तो उठाया नहीं जाएगा, उठा करके धड़ान करके गिराएंगे। जब गिराएंगे दूसरे तुली के ऊपर में, मतलब रुई के ऊपर में, और रुई फट जाएगा और फट करके शायद रुई बिखर जाएगी। मतलब इतने बड़े ठाकुर है ना, ऐसे ही उनको एक से दूसरे। लेकिन अभी क्या करते हैं, पहले तो रुई लगाते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं जो ताल का पेड़ होता है ना उनका ऐसे सीढ़ी बना देते हैं, उनको सीढ़ी बना करके ऐसे हिलाते 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 हैं, जैसे बहुत बड़े किस चीज को उठा कर ले नहीं कर क्या करेंगे उसको, किस तरह से ऐसे उसको हिला हिला करके ले जाओगे। अभी उनको ऐसे ले जाते थे कि पहले या वर्णना जब कर रहे हैं कि तब से ये 500 साल पहले, ये 500 साल पहले का बात है। उसी समय में पंडित लोग हमारे जैसे नाते नाते नहीं थे, अभी पहले ही होने का लोग नाते क्या हो जाए, लोग धीरे 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 हाइट कमती जा रहे हैं और खान पीना खान पीन भी हमको सही नहीं मिलता है, हर चीज़ में हाइब्रिड डॉक्टर बना हुआ, हर चीज़ में आपको मिलावट है। इसलिए अभी इतने बीमारी क्यों है, इतना रोगी क्यों, कारण है कोई चीज़ हमें प्योर नहीं मिल रहा। दूसरी चीज पहले क्या होता था, वो लोग पहली बार करते थे और प्योर खाना खाते थे, कुश्ती लड़ते थे और एक्सरसाइज करते थे, शारीरिक परिश्रम होता था हर चीज़। इसलिए अभी भी जाकर देखो तो मंदिर में इतने बड़े बड़े थर्मस है, उसको ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाते थे, ऐसे घुमाते थे, एक्सरसाइज करते थे। हम किसी मंदिर में गए इतने बड़े बड़े थर्मस, मैंने कहा भैया उसको क्या करते थे, बोले पहले जो लोग तो बड़े बड़े लोग होते थे कुश्ती करते थे उसको पकड़ कर घुमाते, जिसको हम उठा भी नहीं सकते, अभी उठा भी नहीं सकते। और दूसरी बात है कि स्मार्टफोन इंटरनेट टीवी ये तो सत्यानाश कर दिया। बोले क्या सत्यानाश किया, बोले ये सब चीज को जब दर्शन कोई करते हैं ना फिर उल्टा पुलटा चीज को फिर लोग ब्रह्मचर्य भी धारण नहीं कर पाते, अपना ब्रह्मचर्य भी धारण, शरीर का ताकत तो ब्रह्मचर्य है, वीर्य शरीर, अगर वीर्य अगर चला गया शरीर में से कुछ नहीं, अभी लोग ब्रह्मचर्य भी पालन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते शरीर की ताकत ठीक है। पहले ये गलती चीज देखते नहीं थे, लड़कियाँ अभी जैसे घूमती है ना, ऐसे पहले लड़कियाँ नहीं घूमती थी, ऐसे बाहर कहीं नहीं घूमती थी, जिसको देख करके चित्त विक्षिप्त हो जाए हैं, उस समय चित्त सबका दृढ़ रहता था, सब जितने माता बहन रूप में स्त्रियों को देखते थे हैं, माता बहन रूप में देखते थे, इसलिए वो उनका शरीर बड़े मोटे मोटे शरीर थे, उनको उठा करके उनको पास यहाँ पटक वहाँ पटकते थे, वहाँ से ऐसे करते करते ले जाते थे, लेकिन अभी इतना नहीं कर पाते, इसलिए अभी धीरे धीरे जगन्नाथ को ऐसे करते करते किसी तरह से ले जाते हैं। इसलिए बोले प्रभु पदगाते तुली है खंड खंड तुला सा उड़ी जाए शब्द है प्रचंड, जब एक जगह से उठा कर धड़ाम करके गिर जाते थे, धड़ाम करके आवाज होता बड़ा जोर से आवाज हुआ करती थी और रुई एकदम टूट जाती थी और टुकड़े टुकड़े हो जाते थे रुई है। बोले विश्वम्भर जगन्नाथ के चाल आए थे पारे अपना इच्छाए चले करी तबिया, बोले अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक श्री जगन्नाथ जी उनको कौन चला सकते हैं, वो किसकी बस में नहीं, जब अपना इच्छा होता है ठाकुर जी तब चलते हैं। अभी अपना इच्छा से जगन्नाथ जी बिहार करने के लिए जा रहे हैं, अरे महाप्रभु महिमा महिमा करे ध्वनि नाना बात बोला ले किछु बिना सुनी, हमारे उड़ीसा की जो भाषा है जगन्नाथ जी को किस रूप में बोल बोले महाप्रभु है, जगन्नाथ जी को बड़े सबसे बड़े प्रभु, और मणिमा मणिमा ये उड़ीसा का शब्द है, मतलब हे मालिक, मणिमा बोल होता है हे प्रभु, हे विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, ये सब के सब बोलते बोलते ले जाते हैं। और जब जगन्नाथ जी जाते हैं ना वहाँ पर देखना बड़े सुंदर सुंदर भैरी वाद्य हैं, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पर बजाते बजाते, और कभी देख देना समय बड़े सुंदर वाद्य बजाते बजाते सुंदर जगन्नाथ जी को
सुंदर रूप में ले जाते हैं। तभी प्रताप रुद्र करे अपने सेवन, सुवर्ण मार्जन लया करे पथ मार्जन, चंदन जलत करे पथ निषेचन, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासन। लेकिन राजा प्रताप रुद्र उस समय में क्या कर रहे थे, कहते जगन्नाथ क्या सबसे जो बड़े सेवक से राजा है, जो सबसे बड़े सेवक से ही राजा। लेकिन राजा क्या करते थे, कहते थे सुवर्ण, अलग रथ यात्रा में देखे होंगे राजा स्वर्ण की झाड़ू लेकर के चार तरफ में रथ तो चार तरफ में ऐसे ऐसे व्यक्त हो जाता। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे घूम घूम करके ऐसे नहीं, राजा एक वस्त्र गलत पहनिया और धोती पहन करके और उसमें क्या करते थे, चंदन और उसमें कर्पूर अग्नि डाल करके क्या करते थे, जगन्नाथ जब चलते थे उनके सामने उसको छिड़काव करते चलते थे और झाड़ू से उनको सफाई करते करते चलते, जगन्नाथ जगत का मालिक क्या आ रहे हैं। इसलिए हम पहले सुना ना जो कांची राजा की जो पिताजी आए थे उनकी बेटी की शादी देना चाहते थे, बोले कि झाड़ूदार से शादी देंगे, मेरा नाता कट जाएगा, लोग अगर देखने के लिए आएंगे राजा कैसे उत्सव मना रही, अगर देखेंगे कि झाड़ूदार से ही अपना बेटी को शादी दिया, भैया झाड़ूदार से हम शादी नहीं दे सकते। इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं राजा के लिए, जगन्नाथ स्वयं बलदेव स्वयं गए हैं जाकर के उन्होंने ऐसे युद्ध किया, युद्ध करते करते सब परास्त कर दिया हमने, हैं परास्त करके और वहाँ बंदी बना कर उनकी राजकुमारी को मयूर सिंहासन और कौन लाए, गोपाल जी लाए, हैं कहते वहाँ पर श्री राधाकांत जी को लाए और एक ठाकुर जी भटने गणेश को लाए और एक ठाकुर लाए, इसको बोले एक साथी गोपाल को लाए, एक गोपाल जी को लेकर के आए। जब गोपाल जी को लाए उन्होंने क्या किया, वो गोपाल जी का जगन्नाथ मंदिर में रख दिया, जब रख दिया अभी जगन्नाथ को भोग लगता है, दाल चावल सब्जी भोग लगता है, तो गोपाल छोटा था बट बच्चे क्या करते हैं, सामने कोई खाना ही जा रहा है ना घुटने पर चलते चलते तुम खाने से पहले पहले खाना, बच्चे का स्वभाव है ना। वो जगन्नाथ जी के लिए जो प्रसाद आता था वो जगन्नाथ खाने से पहले ये क्या करते थे, वो अपना घुटने पर चलते थे और जगन्नाथ खाने से पहले खाना शुरू करते, रोज अभी एकादशी जगन्नाथ जी हो रहा है। जब कुछ दिन ऐसे चला जगन्नाथ जी राजा को स्वप्न दिया, बोले किसको तुम ले आई यहाँ पर, ये जब से आया तब से मैं एकादशी व्रत रख रहा हूँ, मैं खाने से पहले ये खुद यहाँ पर सब खा लेता है और मैं खा नहीं पा रहा, भैया इनके लिए अलग व्यवस्था करने की, मेरा रोज एकादशी हो रही है, ठाकुर जी की लीला है। फिर उन्होंने उनके लिए अलग मंदिर बना करके हैं, उनको अलग मंदिर बना करके फिर ठाकुर जी को उन्होंने स्थापन किया। ठाकुर जी बड़े प्यारे प्यारे लीला ठाकुर जी करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या करते थे, बड़े सुंदर ठाकुर को सेवा करते थे। इसलिए इसी सेवा को देख करके जब श्री राजा आए थे यहाँ पर, कहते उत्तम हरिया करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथे कृपार भाजन, महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखते, महाप्रभु कृपा आइला से सेवा देखते। भगवान के मंदिर में जो झाड़ू लगाते हैं साफ सुथरा करते, उसका कितना महिमा देखो, महाप्रभु अपना परिक्रमा को लेकर के आए देखने के लिए, चैतन्य महाप्रभु वो कौन, स्वयं जगन्नाथ है, जगन्नाथ जी को देखने के लिए आए। जब देखने के लिए आए देखा राजा, देश के राजा एक धोती पहन करके और एक गले में गलवेनिया दे करके राजा होकर के स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लगा रहा है, मंदिर में झाड़ू लगा रहा है और कर्पूर अगुर चंद्र की छिड़काव दे रहे हैं। इसको देख करके महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, क्यों कहते उत्तम आया करें तुच्छ सेवन, कहा राजा और क्या कर रहे हैं हमारे देश में क्या कर झाड़दार है, लेकिन भगवान के मंदिर में है ना जो जितने छोटे से छोटे सेवा करेगा उसको पर उतना ही कृपा है। इसलिए जब हम पहले मंदिर में आए, हमारे मंदिर में नियम है जो आएगा मंदिर से मंदिर में आ जाओ, टॉयलेट साफ करो, वैष्णव की सेवा करो, हैं इसलिए कहते हैं भगवान के मंदिर में झाड़ू सुन रहे ना, जो भगवान के मंदिर साफ करते बर्तन साफ करते हैं ठाकुर जी को, मैं तो जब तक रहा मंदिर में बर्तन ही साफ किया, रसोई बनाया, मंदिर साफ किया, मार्केट ही किया,
तुम सोच नहीं सकते मैं इतना सेवा किया ना, तुम सोच से बाहर है। मतलब इतने मैं जब पहले मंदिर में आया मैं इतने सेवा करता था, सारे मार्केट की दायित्व मेरी थी, मेरे घर में रसोई अमणिया करना मेरा दायित्व था, सारे बर्तन मलना मेरा दायित्व था, ठाकुर के लिए माला बनना मेरा दायित्व था, मंदिर मार्जन करना मेरा दायित्व था, हैं जो वैष्णव लोग बैठते थे उनको खिलाने का दायित्व मेरा था। तुम सोच नहीं सकते दिन में मैं चार माला भी नहीं कर पाता था, श्लोक मेरे 15 भावना थी थोड़ा श्लोक सीखो, लेकिन मेरे पास में समय नहीं था श्लोक सीखने का। मैं जब मार्केटिंग करने जाता था हाथों में श्लोक लिख कर ले जाता और मैं उसको रटते रटते चेत दर्पण मार्जनम चेत दर्पण मार्जनम चेत दर्पण मार्जनम करते करते मार्केट जाता। फिर जब फूल की माला बनाने के लिए बैठता था वहाँ पर श्लोक लेकर वहाँ बैठता था, बाच वेगम मनस क्रोध वेगम इधर माला बनाता था, बाच वेगम मनस क्रोध वेगम ऐसे करके माला बनाता। दिन में चार माला बड़ी कठिन से चार माला कर पाता था। कभी तो बैठ करके पुस्तक पढ़ने का मेरे कभी मौका ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला मौका नहीं मिला। थोड़े समय बैठ करके हम पुस्तक पढ़े, इतने सेवा इतने सेवा। सवेरे 4 बजे से उठ करके 1 बजे तक दोपहर तक श्वास लेने का समय, मतलब कंटिन्यू सेवा है। लेकिन अभी क्या होता है जो नए नए सेवा, अगर कोई एक सेवा कर दिया ना कहते ये सेवा कर दिया दूसरे सेवा क्यों करें, हम दूसरे सेवा क्यों करें, ये सेवा कर दिया ना हम हमें ही करना पड़ेगा। देखो जो जितने सेवा करा ना, मैंने देखा अपने आंखों से जो जितने सेवा ठाकुर को दिया उसका हृदय में भगवान की भक्ति उतना ही बढ़ा सकता, जगत में उतना ही बड़ा बना है। जैसे तुम्हारे घर का कोई नौकर हो देखना, अगर दिन भर काम करता है पैसा मांगता नहीं दिन भर सेवा करता क्या करेगा, एक दिन में कोई जो मालिक उसका अपना बेटा ही बना दे, उसको सब कर सारे संपत्ति तू ले, क्योंकि पैसा लेता है दिन भर काम करता है। ठाकुर को मंदिर में जो जितने सेवा करेगा भगवान की उसका हृदय उतना साफ होगा। और ठाकुर बैठ बैठ कर देख रहे हैं ना, ठाकुर लोग देख रहे हैं क्या क्या कौन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बैठ कर देख रहे हैं सबके साथ। कहते जब मैं वैसे विवृत तेन लब्ध तसै से आत्मा विवृत तनुसार, भगवान कृपा करके जिसको वो ब्रह्म विद्या देते हैं वही ही उसकी अधिकारी बनता है जिसको वर्ण करते हैं। अगर जिसको वो वर्ण नहीं करेंगे ना पहले तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान जिसको चाहते हैं चाहेंगे उसको इतना ऊंचा बना सकते हैं ठाकुर जी है। इसलिए कहाँ राजा होकर के कहते तुच्छ सेवा, झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं इसको देख करके, इसीलिए तुम जगन्नाथ की कृपा की पात्र हो। इसके महाप्रभु जब आए, जब राजा चाहता था महाप्रभु से मिलने, महाप्रभु बोले नहीं ये विषय भोगी, इसको देखने से मेरे हृदय में भोग की वासना आएगा, मैं संन्यास नहीं करता दर्शन नहीं दूंगा, महाप्रभु मना कर दिए थे हैं। लेकिन यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं देखा राजा होकर के क्या कर रहा है, मेरे सामने झाड़ू लगा रहे हैं, इतने प्रसन्न हो गए महाप्रभु, इतने प्रसन्न हो गए, इसको हमें कृपा करना पड़ेगा। हम आगे सुनेंगे जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता है वो बीच में एक जगन्नाथ एक बल्लभ यहाँ पर एक जगन्नाथ बल्लभ वाटिका है प्रभुपाद का जन्म के पास में बड़ी सुंदर बगीचा, पहले तो तरह तरह का फल फूल से भरा होता था, वही साइज सारे फल फूल जगन्नाथ जी की सेवा में आता था। वहीं पर रथ खड़ा हो जाते हैं, जगन्नाथ जी को तरह तरह का वहाँ पर जगन्नाथ जी को भोग लगता है जगन्नाथ जी को, और महाप्रभु राधा रानी के भाव में विवाहित होकर के महाप्रभु वहीं पर कैसे बड़ी दिन के बाद में श्री कुरुक्षेत्र में मिलन हुई कृष्ण को, और मैं अपना हृदय में बैठा करके भगवान को ले जा रहा हूँ, इसी भाव से महाप्रभु ले जाते थे। और इसी भाव से महाप्रभु क्या करते थे, जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में एक पेड़ को जड़ के ऊपर सर रखकर महाप्रभु ले गए राधा जी भाव में, इसी भाव से। और दूसरे भाव से कैसे कृष्ण दास करते करते कैसे कृष्ण दासों से कैसे अंतर ध्यान हो गए हैं, जब अंतर ध्यान हो गए अभी ब्रज गोपियां कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने देखा कृष्ण मिले ही नहीं, बोले सुनो देखो और राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए, बोले कृष्ण को उनका भजन सबसे प्यारा, चलो हम जमुना किनारा में बैठेंगे
बैठ करके वहीं पर भगवान की कीर्तन करेंगे, क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करके, चलो हम बैठ कर कीर्तन करेंगे। जहाँ पर उन्होंने बैठ करके जब उन्होंने कीर्तन की और कीर्तन करते करते यहाँ पर महाप्रभु लेट हुए, और राजा क्या कहता है, जितने महाप्रभु का भक्त लोग हैं ना सब राजा के बड़े खुश हैं। बोले क्यों खुश है? बोले सबके लिए व्यवस्था करता है, प्रसाद की व्यवस्था वो करते हैं, यदि महाप्रभु का भक्त का कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, खूब उनको प्रसाद खिलाओ। राजा कौन है? राजा इंद्रदुम्न प्रताप रुद्र कौन है? ये इंद्रदुम्न राजा जिसने जगन्नाथ मंदिर का स्थापन कराया, और जितने इनके जगत महाप्रभु कौन है तो साक्षात जगन्नाथ ही। कहते जगन्नाथ जी अचल जगन्नाथ और महाप्रभु सचल, मतलब वो चल नहीं रहे बैठे ही, और महाप्रभु कौन जो चल रहे, जो महाप्रभु चल रहे जा रहे खा रहे पी रहे, ये सचल जगन्नाथ जी। इसलिए वो ही इंद्रदुम्न राजा है। बोले भैया महाप्रभु के सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इनकी खूब सेवा, इनकी खूब सेवा होनी चाहिए, हर तरह से इनकी व्यवस्था करते हैं। जब कोई भक्त लोगों को खुश कर दो ना, जब भगवान के भक्तों को खुश कर दो, भगवान कहाँ बैठते हैं? भक्तों का हृदय में बैठते हैं। अगर भक्त खुश हो तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए सारे भक्त इनके ऊपर में प्रसन्न है, इनके ऊपर में सारे भक्त संतुष्ट है। इसलिए सबके सब भक्त चाहते हैं एक बार इनको महाप्रभु के साथ में मिला है, ये चाहते हैं। जब महाप्रभु ले कर दिए इतने में सब राजा को, राजा जल्दी जल्दी आ जाओ और अपना धोती पहन लो, गले में दुपट्टा पहन लो। हाँ ये दुपट्टा क्यों डालते हैं? ये गला वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकट, ये दुपट्टा डालना मतलब दीनता। ठाकुर जी हम आपका दास है, हम इसलिए गले में सबके सब जगह दुपट्टा डालना, गले में सब दुपट्टा मतलब क्या, ये दीन हीन भावना है, हैं हम आपकी दास है, आपकी हम नौकर है, आपका चरण में हमारा प्रणाम है, ये दुपट्टा। इसलिए हम लोग भी ये उत्तर डालते हैं, हैं यही हमारे लिए ये दुपट्टा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जा करके जाओ बोले महाप्रभु का चरण सेवा करो, महाप्रभु लेट हुए और उनको तो होश नहीं, जाओ सेवा करो और ये काम करो, गोपी गीत दान करो। बस महाप्रभु ने महाप्रभु का चरण की सेवा कर रहे थे। बोले जयती जन्मना ब्रजा सास्वदात्रहि दैतदीक्षतां दीक्षुता अवका त्वयीर्विता सव त्वां विचिन्वते। जब उन्होंने गोपी गीत को गाए और उसमें गाते गाते एक श्लोक आता है, क्या आता है, तव कथा श्रवण मंगल प्रेमदा तथा भुवि गृणन्ति ते। जब राजा ने ये कीर्तन को गाए इतने में महाप्रभु राधा रानी के भाव से गिरे गिरे हुए थे। हैं महाप्रभु राधा रानी के भाव से, कि कौन सा भाव है, यहाँ पर एक अलग भाव है, कृष्ण कैसे छोड़ करके चले गए, हमको छोड़ कर चले गए और परसु बोल करके परसु तक नहीं आए, हैं बस रासलीला करते करते कृष्ण कैसे रासों से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, गोपियां बैठ करके कह रहे हैं हे कृष्णा, ये विरह अवस्था में कृष्ण से जब हम अलग हो जाते हैं विरह अवस्था में, अगर हमें कोई सांत्वना प्रदान करता तो कौन है? मतलब भगवान की कथा। जैसे देखो जैसे हम सवेरे बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, ठाकुर कथा सुन लो, हैं आप देखना आधा घंटा जब एक घंटा कथा सुन लोगे ना, जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी में जैसे चार्ज लगा देते हैं, पहले फिर चाबी लगा देते वो 24 घंटा चलता था। जैसे हम सवेरे बैठ के थोड़ी समय कीर्तन कथा कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, मन तृप्त हो जाए,
मानो दिन भर का जो खुराक है ना ये मिल जाता है। कृष्ण कथा सुनने पर कहते कृष्ण का तप कथा अमृत, मतलब भगवान से कथा सुनना और भगवान से मिलना कोई अलग नहीं, हम कथा सुन रहे हैं मतलब क्या है, साक्षात भगवान से मिल रहे हैं। कृष्ण खुद कहते हैं मैं कर रहता हूँ कहाँ पर, बोले जहाँ मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करके कथा करते मैं यही रहता हूँ, इसलिए जो कथा सुन रहे हैं कथा बोल रहे हैं ना वो भगवान से डायरेक्ट रूप में मिल रहे हैं, ठाकुर के साथ में साक्षात मुलाकात हो रही है। इसलिए तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जो कृष्ण विरह में है कहते हृदय में जो राधा रानी उत्तप्त हो रही थी कहते उसी अवस्था में जो कथा क्या करता है उनका हृदय को सांत्वना प्रदान करते हैं, इसलिए तब कथा अमृतम बोले श्रवण मंगलम, जिसको सुनने से मंगल ही मंगल होगा है, इसलिए जिसको सुनने से श्री मदा कथम, जिसको सुनने से जस लक्ष्मी प्रसिद्ध सब कुछ, जिसको कथा से सब कुछ जीव को प्राप्त होएगा, अमंगल दूर होएगा है, इसलिए जीवन में मंगल मंगल होगा। जब उन्होंने ये बात सुना है ना कृष्ण कथा ही कृष्ण से मिलने का उपाय है, इतने में महाप्रभु राधा रानी की भाग में विवाह करती है, बोले भूरी दा जना मतलब कृष्ण कथा को जो देते हैं उस जगत में सबसे बड़े दानी, उन्होंने तो महाप्रभु आंख बंद किए हुए और राजा को आलिंगन किया, तुम कौन हो मेरे को अमृत पिला रहे हो, तुम कौन हो मेरे को अमृत, महाप्रभु इतने खुश हुए उनको आलिंगन करके इतने प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन देखो कभी महाप्रभु बोले थे ना राजा को दर्शन नहीं दूंगा बोले थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं उनका आलिंगन कर रहे हैं, क्या महाप्रभु पता नहीं राजा है मैंने मना किया था ऐसे मिलने के लिए, पता है नहीं उनको पता है, लेकिन आज उन्होंने आलिंगन क्यों कर रहे हैं, कारण क्या का एक कारण है उन्होंने जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाए, भगवान मंदिर में झाड़ू लगाए है, इसीलिए भगवान के दरबार में झाड़ू लगाने थे, इसी में ही संतुष्ट होकर उनका आलिंगन किया और उनको दर्शन दिया, उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया, उनका अपना जगन्नाथ जी अपना महाप्रभु ऐश्वर्य दिखाया, बोले देखो ये बात इसको बोलना नहीं, राजा ने मना कर दिया, बोले ऊपर ऊपर से लोग शिक्षा के लिए मैंने ये बात बताया है, लेकिन तुम मेरे सारे भक्तों को सेवा करते हो, मेरे मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, समझ रहे हो जो झाड़ू लगा रहे हैं ना मंदिर में एक दिन भगवान दर्शन देंगे, जो झाड़ू लगाएगा ठाकुर जी उनको दर्शन देंगे जो ठाकुर को सेवा करते हैं, बोले रथर साधन देखी लोके चमत्कार ना वह हे ममा रथ सुमेरु आकार, कल रथ देखो कितना विशाल रथ है, कितना लोग काम करते पता है, वो अक्षय तृतीया से लेकर के अक्षय तृतीया से लेकर के जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा होता है कितने लकड़ी और कितने मिस्त्री काम करते हो रथ के लिए बहुत सारे, और जगन्नाथ जी रथ में तो आखर उसमें आठर पहिया है, देखा कितने बड़े बड़े, तुम खड़े होकर तुम्हारा शरीर भी वहां पहुंच गया नहीं, इतने बड़े बड़े कितना चक्का है आठर उसमें पहिया लगा हुआ उसमें बलदेव प्रभु में 16 सुभद्रा देवी 12 है ऐसे पहिया, और रथ के ऊपर में कितने लोग बैठते हैं पता नहीं कितने लोग चिटियां जैसे बैठ गए, इतने सारे लोग ऊपर में बैठ रहे थे हैं, और रथ को खींच करके जगन्नाथ जी के रथ को खींच कर ले जाते हैं, इसलिए कैसे रथ का कल देखे होंगे ना श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है आप देखना उसमें दोनों तरफ पीला रंग है, सामने लाल दोनों तरफ पीला रंग है, क्यों जगन्नाथ कृष्ण का जो वस्त्र पीला रंग है, बलदेव प्रभु का नीला रंग है, बोले जगन्नाथ बलदेव प्रभु नीला रंग का कपड़ा क्यों होता है, बोले कृष्ण का जो शरीर रंग है वो नील रंग है, इसलिए श्री नील रंग में अपना शरीर को, इसलिए ब्रज में जाओगे ना सब बलदेव प्रभु तो सफेद, लेकिन कहीं सफेद नहीं देखो कहीं सब जाकर में श्याम रंग देखो, कि वो कृष्ण चिंतन करते 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 बलदेव प्रभु कृष्ण रंग को धारण किए हैं, इसीलिए और सुभद्रा देवी की जो देखना कपड़ा का रंग काला रंग, क्योंकि जो जो स्त्रियाँ थोड़ी गोरी होती हैं उनका शरीर में जो काला जो वस्त्र है वो शरीर को जचता है अच्छा लगता है, जैसे राधा रानी नील वस्त्र धारण करती है ना सुंदर चमकती है, इसलिए सुभद्रा देवी की, इसलिए कहते ये तीनों के तीनों और कितने बड़े बड़े कहते नाभ हेमा मेरा था, कहते हर साल इसी साल में जो लकड़ी लगा है ना अगले साल नहीं लगेगी लकड़ी,
हाँ अगले साल वो लकड़ी नहीं लगेगी, हर साल में नई लकड़ी आनी चाहिए। नई लकड़ी से कोई भी पुराना लकड़ी उस जगत रथ में लगी सकती है, और केवल जो नई लकड़ी प्राप्त, हर देश देश में निर्दिष्ट है, इसी देश से इतने लकड़ी, उसी देश से इतने लकड़ी, वहाँ से इतना लकड़ी आएगा, ये लकड़ी आएगा, सब बंधा हुआ है। तो सबके सब साल भर में और लकड़ी दे जाते हैं, इसलिए कहते हैं नवमय रथ सुमेर आकार। अब देखे होंगे रथ कितने बड़े बड़े जगन्नाथ के रथ, हाँ विशाल रथ जगन्नाथ जी के, बोले सप्त सप्त सुचामर दर्पणी उज्ज्वल ऊपर एक पत्ता का सब है चांदो निर्वर्णा कर रहे हैं। आप देखे होंगे उसमें बड़े सुंदर दर्पण, दर्पण में शीशा लगा हुआ देखे होंगे, और देखना जगन्नाथ जब जाते कितना लोग चामर भजन करते हैं, कितने लोग चामर बुलाते हैं कहते हैं, और वहाँ पर बड़े सुंदर कहते हैं धाम, उसमें आप देखेंगे वहाँ पर घंटी लग, जब जगन्नाथ मंदिर चलते हैं ना बड़ी सुंदर घंटी लगा हुआ रहता है, किंकिणी है घंटा, अब घंटा देखना, अब जब जगन्नाथ जी ला रहे थे ना देखना कितने लोग घंटा बजाते, क्या सुंदर एक ताल से देखने में खुश हो जाते हैं, देख देख करके हाँ सौ सौ जो हम लोग कांसा ही बजाते हैं ना एक ताल से, एक क्या उसकी आवाज़ है बड़े सुंदर रूप में, जगन्नाथ जी को रथ को बड़े घंटा बजाते हैं, ये सबके सब ले जाते हैं, बोले लीला है चढ़ीला ईश्वर रथ है बड़े आज भी रथ चढ़ी सुभद्रा हल धरे। श्री जगन्नाथ जी अपना अपने आप उन्हें जैसे चढ़ कर चले जाते हैं ना, ऐसे मानो जगन्नाथ जी अपना रथ को पर चले गए, उससे बलदेव प्रभु चले गए, और जैसे सुभद्रा देवी भी रथ पर गए, पंच दस दिन ईश्वर महालक्ष्मी लया तार संग क्रिया पहला निभरी तपस्या, 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन नहीं हुआ था, है हमारा मंदिर में भी मंदिर दर्शन था, क्यों अंदर में इतना दिन तक रहे, लक्ष्मी को साथ में एकांत में क्रिया करते हैं और लक्ष्मी को समझाते हैं, बोले चल है हाँ मेरे को थोड़ी दिन के लिए वृंदावन जाने का हमें आदेश दे दें, इसलिए जगन्नाथ जी किसी को दर्शन नहीं देते हैं, केवल लक्ष्मी के पास है 15 दिन तक उसको खुश करने के लिए हैं, उसको केवल खुश करने के लिए लक्ष्मी को 15 दिन तक उसको पास में रह करके सर पर हाथ घुमाते, शरीर पर हाथ घुमाते हैं, हमें थोड़ा आदेश दे दे थोड़ा वृंदावन जाऊँ एक दो दिन घूम करके आ जाऊँ, 15 दिन तक घुमाते रहते हैं लक्ष्मी को, इसलिए कहते हैं 15 दिन बोले पंच दस दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया तार संग क्रीड़ा पहले निभृत अवश्य, उसको एकांत में बैठ करके उसके साथ में जगन्नाथ जी क्रीड़ा करते हैं, बोले तार संगत लैया भक्त सुख दिते रथ चढ़ी बाहिर हैला विहार करते, लास्ट में बहुत कठिन से लक्ष्मी आगे से देती है, बोले ठीक है इतना दिन तक रहे जाए जाओ तुम जाओ जाओ जाना चाहते जाओ, कहते क्यों जा रहे हैं, बोले भक्त सुख के लिए, बोले कौन सा भक्तों को सुख देने के लिए, बहुत सारे भक्त हैं है? कुछ ऐसे लोग हैं जो शूद्र जाति के, जो निकृष्ट छोटे जाति के लोग हैं ना, वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं, वो इंतजार करते हैं कब जगन्नाथ जी बाहर आए दर्शन, और जो विदेशी लोग हैं ना उनको भी अंदर में प्रवेश नहीं है उनको है विदेश, इसलिए जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तभी वो दर्शन कर पाते हैं, हाँ और जो छोटे जाति के लोग उनको भी अंदर में प्रवेश वर्जित है, और दूसरे हैं थे प्रजावासियों को आनंद देना चाहते हैं जगन्नाथ, इसलिए उन्हें क्या करते हैं कभी सबके सब विहार करने के लिए गए, बोले वहाँ पर कैसे रथ यात्रा में नहीं गए थे ना, गए थे रथ यात्रा, अभी जो रथ यात्रा है जो जो रोड है ना वो तो पीछे रोड है, अभी जैसे और अच्छा रोड बढ़िया रोड, लेकिन पहले ऐसे रोड नहीं था, पहले रोड कैसे था रेती, और रेती अब किसी पीछू रोड के ऊपर रथ तो चली जाएगी, अगर कोई रेती ऊपर है ना इतने आसानी नहीं, रेती के ऊपर में अकल रेती रेती पहले था, और वो बीच में ना एक नाली थी, बीच में एक नाली थी उसको पार नहीं हो पाते थे, अभी तो सब बंद करके सब बना दिया, लेकिन पहले इधर तीन रथ होता था उधर तीन रथ होता था, फिर यहाँ से जगन्नाथ को एक रथ से लेकर दूसरे रथ में बैठाने उधर से ले जाते, लेकिन अभी तो पूरा बढ़िया रोड बना दिया बस, अभी तो एक दिन में ही जगन्नाथ पहुँच जाते, पहले एक दिन में 8-8, 10-10 दिन लग जाते कितने पहुँचने के लिए, और जो लोग हैं ना मैं जो बच्चा था जाता था पिताजी के साथ में,
रथ को कौन खींचते थे? बोले कौड़ा, ग्वाल, इतना ग्वाल वाले को खींचते थे। क्योंकि अभी ये रथ को कौन खींच कर ले जाते हैं? कभी ये कौन रथ यात्रा कौन है? राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में कृष्ण को बैठा करके उनको वृंदावन ले जा रहे हैं। कौन ले आ रहे? ग्वाल ले नहीं आ, इसलिए वहां पर जो गौड़ मतलब उड़ीसा भाषा में गौड़ मतलब जो ग्वाल लोग है ना वही ले आ, मतलब जगन्नाथ जी को जो ग्वाल लिया लोग मतलब जो ब्रज गोप गोपी है वही जगन्नाथ जी को ले जाते हैं। कहाँ? कृष्ण को अपना वृंदावन ले जाते हैं। बड़े दिनों के बाद में कृष्ण हमारे वृंदावन में आएंगे, सखा लोग सोचते हैं कन्या से उनके साथ में खेलेंगे कूदेंगे, हम गैया चराएंगे उनके साथ में जल विहार करेंगे। इसी भाव से कौन ले जाते हैं? ये गौरव लोग ग्वालिया लोग जगन्नाथ जी को ले जाते हैं। और दोनों तरफ में अभी तो जादू दोनों तरफ में घर ही घर हो गया, लेकिन पहले दोनों तरफ ऐसे नहीं था। पहले था चारों तरफ में केवल जंगल ही जंगल है, नारियल का पेड़ है उधर, विशेष कर कटहल का पेड़ है, आम का पेड़ है, लीची की पेड़ है। दोनों तरफ में केवल जैसे वृंदावन जैसे पेड़ पौधा से भरा हुआ होता है, दोनों तरफ से केवल पेड़ पेड़ पौधा था। और वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी रथ के ऊपर चढ़ करके हैं बड़े आनंद पूर्वक, जैसे हम वृंदावन जा रहे हैं आनंद पूर्वक जगन्नाथ जी चलते थे, और जितने ग्वालिया लोग क्या करते थे उन पर लेकर चल जाते थे। लेकिन कभी जब जगन्नाथ की इच्छा हो गया ना, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, रथ अपने आप चले जल्दी जल्दी चलेगा। लेकिन जब जगन्नाथ की इच्छा होगा मैं नहीं चलता हूँ, बाद जगन्नाथ के रथ खड़ी हो जाएगा, वहीं पर खड़े हो जाएगा। बोले एक समय क्या हुआ, रथ यात्रा हो रही थी उस समय, महाप्रभु उस समय आगे थे, अब रथ यात्रा हो रही थी, रथ खींच रहे थे लेकिन रथ जा नहीं पाए, जो किसी तरह से खींच नहीं पाए तब उन्हें घोड़ा लगा दिया, हाथी लगा दिया, लेकिन तब भी रथ नहीं चला। और इधर कोड़े मार रहे हैं और हाथी चीख रहा है, एक कोशिश करते हैं लेकिन रथ नहीं क्या नहीं बोलता है, जब किसी तरह से नहीं हुआ तब से चैतन्य महाप्रभु को बुलाए। जब चैतन्य महाप्रभु को बुलाए, महाप्रभु ने अपना सर लगा कर जब थोड़ी सी धका दिया ना, हे रथ एकदम रथ है रथ एकदम रथ चलने लगे हैं, रथ चलने लगे। इतने में कभी धीरे चलता है कभी है कभी जोर से चलता है, कभी कभी टान खींचने भी नहीं चलता है। बोले क्यों? बोले ईश्वर की इच्छाएं चले ना चले कार भले, भगवान किसकी ताकत से भगवान को थोड़ी खींच सकता है। इसलिए वहां पर कहते हैं जगन्नाथ जी का जो रथ है ना, कहते उसको ऊपर में 33 करोड़ देवता का निवास है, 33 करोड़ देवता है। जब जगन्नाथ जी रथ खींचते है ना, आप कभी देखना पास से उसका जो आवाज है ना, क्या आवाज आता है, गंभीर आवाज में मानो विश्व ब्रह्मांड और रथ ऊपर बैठे हुए। और एक एक रस्सी कितना दूर तक, पता नहीं कितना दूर तक रखे, एक एक रस्सी, और एक एक रथ में चार चार रस्सियां हैं, कितने रस्सियां हैं, चार चार रस्सियां। माताएं तो छू भी नहीं सकते रस्सी को, इतने भीड़ होता है, हम लोग भी छूना कठिन हो जाता है। और सब फूट फूट पहन करके लोग जब लड़के सब वहां पर आकर के सब रथ खींचते हैं, हैं रथ रस्सी को छूना ही कठिन हो जाता है, इतने लोग उसमें भीड़ होते हैं। और इतने लोग जगन्नाथ जी को खींच कर ले जाते हैं, तभी महाप्रभु सब लैया भक्तगण सोचते परायलर माला चंदन, परमानंद बड़ी आर भारती ब्रह्मानंद, सो हस्ते चंदन पाया बाड़िल आनंद, अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद, श्रीहस्त परसे द्वार आयल आनंद। महाप्रभु सब भक्तों को ले जाए, चलो सबके सब कीर्तन करने के लिए चलो जगन्नाथ की रथ यात्रा में। इसलिए सबके सब भक्त लोग ना सब चलते हैं। जब हम भी जब रथ यात्रा में जाते थे, हमारे जो गुरुदेव थे हम लोग को गले में माला पहनाया करते थे, हाथ में चंदन है, गुरुदेव अपना हम तो अपना हाथों से गुरुदेव सबको चंदन लगाते थे। क्योंकि ये सबके सब रथ यात्रा मतलब अपना हृदय रथ में कृष्ण को बैठा करके वृंदावन ले जा रहे हैं। और जब मंदिर मार्जन करने के लिए जाते थे तभी भी चंदन लगाकर बैठते थे। बोले क्यों? बोले ये अपना हृदय रूपी मंदिर को साफ करने जा रहे हैं, जैसे भगवान का निवास होता है, भगवान की निवास जैसे होगा इसलिए चंदन महाप्रभु। अगर महाप्रभु हो हमारे जो बड़े गुरु जी थे नारायण गोस्वामी, अगर वो किसको अगर माला पहना दे अगर चंदन लगा देते
हम लोग कितने खुश हो गए, अरे गुरु जी हमें चंदन लगाए, गुरु जी हमें माला दिया। और जहाँ साक्षात महाप्रभु किसका चंदन लगा रहे हैं, हैं किसका चंदन लगा रहे हैं, गले में माला पहना करके रथ यात्रा में ले जा रहे हैं, तो कितने खुश नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर वर्णना करते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ में हैं जब चंदन और उन्होंने माला उनको पहनाया, ये भक्तों लोग तो महाप्रभु का हाथ को स्पर्श पा करके विश्व ब्रह्मांड का मालिक जगन्नाथ जी कभी यहाँ पर उनका हाथ को स्पर्श पा करके उनका हृदय तो खेल उठा। हम कितने भाग्यवान, भगवान स्वयं चंदन माला पहना करके रथ यात्रा में भेज रहे हैं। इसलिए सबके सब प्रसन्न हो गए, सबके सब श्रीहस्त चंदन पाया बाजला आनंद, उनका अंदर में जितने आनंद था सबके और ज्यादा आनंद हो गए। देखो यहाँ पर रथ यात्रा में कौन कौन थे, बड़ोदरा रथ यात्रा में रहते हैं, आनंद आता है, आता है, कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इसलिए जिसको देख करके ना, देखो यहाँ पर साधारण रूप में रथ यात्रा होता है, लेकिन लोग कैसे नाच कूद करके भक्त लोग कीर्तन करते हुए पूरा बड़ोद में टहलका मच जाती है, गौरी मठ का रथ यात्रा है, और सब लोग देख देख करके आश्चर्य होते हैं। और यहाँ पर जैन समाज को भी भैया हमारे कोई उनका कोई प्रोसेशन निकलता है, 8-10 व्यक्ति रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ रामलीला में भी होता है, लोग कितना प्रोसेशन उनका है, 1 मील तक, लेकिन लोग 2-4 लोग इसमें कोई, लेकिन हमारे एक रात केवल एक कीर्तन होता है, कितने लोग रहते हैं, हजार लोग रहते हैं और नाचते कीर्तन करते हुए जाते हैं, है यहाँ पर जो रथ यात्रा होता है। इसलिए अगर ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम बीच में रथ यात्रा निकालेंगे, 2 साल हो गया यहाँ रथ यात्रा नहीं हुई है। इसलिए सब भक्त लोग कहते अद्वैत आचार्य आज नित्यानंद कहते श्रीहस्त स्पर्श से द्वार अल आनंद, महाप्रभु का केवल हाथ का स्पर्श होते ही प्रेम में गद गद हो गए, महाप्रभु हमें चंदन लगाने हैं, भगवान कृष्ण स्वयं हमें चंदन गलाने माला पहना रहे हैं। और कीर्तन या गणित माल्य चंदन स्वरूप शिवा जार मुख्य संप्रदाय हो गया। वहां पर 4 संप्रदाय है, 24 गायक, 2-3 मृदंग करी हरिल अष्टजन। जब वहां कीर्तन कर रहे थे कितना दल था, बोले जगन्नाथ मंदिर के सामने 4 दल, दोनों साइड में 2 दल दोनों साइड में और पीछे, मतलब 4, 5, 6 और 7, उसमें ग्रुप 7 ग्रुप था हैं, और 7 ग्रुप में हर ग्रुप में 2-2 मृदंग, तो कितना मृदंग हो गया, 14 मृदंग हो गया। अब देखना मृदंग, हाँ उधर जो मृदंग है ना, हमारे जो ये मृदंग समय हम तो सब नाटक नाटक छोटे छोटे होंगे इसलिए मृदंग है, लेकिन वहाँ पर एक ही मृदंग ना इतने बड़े बड़े, इसका इतना राखो, एक मृदंग जब आवाज गूंजेगा, एक मृदंग यहाँ पर हमारे एक मृदंग जब बजता है नाचते सब पागल हो जाए, एक मृदंग, और जहाँ पर 14 मृदंग हो गया कितना आनंद। इसलिए यहाँ पर तो ब्रह्मांड भेज दिया ध्वनि पूरी आकाश, जब 14 मृदंग एक साथ में बजती थी उसका आवाज विश्व ब्रह्मांड को कद भेद करके बोल को वृंदावन उसकी आवाज पहुंच जाता था। और उसमें बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर वर्णना कर रहे हैं, वहाँ जो 7 दल बनाया, कौन दल में कौन कौन थे, उसमें कौन गा रहे थे, कौन नृत्य कर रहे थे, ये सब के सब यहाँ पर वर्णना हुआ है। अरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सामने रथ यात्रा में प्रसन्न होकर के कहाँ जा रहे हैं, श्री वृंदावन यात्रा कर रहे हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, दाऊ भैया की, सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, निताई गौर हरि हरि गौर की जय।